खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूं। डीजल के पेट्रोल के आसमान छूती वृद्धि के विरोध में सफाइयों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें मांग की गई कि कच्चा मूल्य के सापेक्ष डीजल व पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि से किसान व जनता त्राही त्राही कर रही है। मूल्य वृद्धि केंद्र सरकार जल्द वापस ले। इसके अलावा कोरोना महामारी के चलते अपने घरों को आ रहे प्रवासी मजदूरों की मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों को 5 लाख दिए जाने की भी सरकार से सफाइयों ने मांग की है। इस मौके पर MLC डॉक्टर राजपाल कश्यप, जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू, पूर्व सांसद उषा वर्मा, पद्मराज सिंह पम्मो, पूर्व जिला अध्यक्ष शराफत अली, अमित सिंह मीतू, अजय पाल, सरताज खां, रहमत अली, अलंकार सिंह आदि लोग मौजूद रहे। जब से बीजेपी सरकार आई है, केंद्र में और राज्य में लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। हर चीज के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल जो कहते थे 35 रुपए में बिकेगा, आज वो डीजल का मूल्य पेट्रोल को क्रॉस कर गया है। ये दुनिया में पहली बार, और दुनिया में जब क्रूड ऑयल का सबसे सस्ता है, तब भी यहाँ दुनिया से सबसे महंगा तेल हिंदुस्तान बिक रहा। बीजेपी टैक्स लगा के लूटने का काम गरीबों कर रही। डीजल और पेट्रोल 80 रुपए पहुँच गया, और ये कहते थे 35 रुपए में। गैस सिलेंडर हजार को क्रॉस कर जा रहा, और किसान आत्महत्या कर रहा। लॉकडाउन में फसलें नष्ट हो गई, कितने लोग श्रमिक रास्ते में मर गए, उनकी भी मदद करने का काम नहीं किया। केवल समाजवादी पार्टी लगातार इसको मुद्दे को उठा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने भी लॉकडाउन के दरमियान जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जो लोग रास्ते में श्रमिक मरे, उनको 1-1 लाख रुपए देने का काम किया है। जो लोग परेशान हैं, उनको भी मदद करने का काम कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी। और समाजवादी पार्टी लगातार पूरे लॉकडाउन में भी लोगों को, गरीबों को खाना खिलाना, लोगों की मदद करना, सब तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संस्थाएं लगी रही। बीजेपी का कोई नेता नहीं निकला। बीजेपी केवल झूठ बोलती है, भ्रम फैलाती है, और वर्चुअल रैली करने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च करती है, और झूठ का पर्चा बांट रहे हैं। कहीं भी कोई काम, मदद करने का काम बीजेपी हर मोर्चे पे विफल है। महिलाओं, बच्चियां संरक्षण गृह में सुरक्षित नहीं है। आप कानपुर में देख लीजिए, लगातार बलात्कार, हत्याएं, लूट, डकैती, डाका बढ़ता जा रहा है, अन्याय बढ़ता जा रहा है। जंगल राज, योगी राज में जंगल राज कायम है, और समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है और ज्ञापन दिया है यहाँ से महामहिम राष्ट्रपति को और राज्यपाल को कि ये डीजल, पेट्रोल और यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।